ग्वालियर में डॉक्टर निरंजन राजपूत के इस्तीफे के विरोध में एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और डॉक्टर के समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल कुछ दिनों पूर्व एक एक्सीडेंट के मामले में डॉक्टर से मारपीट कर दी गई थी, जिसके बाद ग्वालियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर ने सीएमएचओ को इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके चलते 3 दिनों से ओपीडी बंद है। गुरुवार को लगभग एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। कि आपने बताया कि लगभग एक दर्जन जो ग्रामवासी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम साहब के लिए जी। तो उसमें मैंने जो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर निरंजन राजपूत जी हैं जो उनके द्वारा जो सभी से विनम्रतापूर्वक जो इलाज वगैरह किया जाता है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें यही यथावत रहना चाहिए। सर, इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद प्रशासन की क्या मजबूरी है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक थाने प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की गई है? नहीं, इसके संबंध में तो थाना प्रभारी जी स्वयं देंगे जवाब जी।